नमस्ते भारत, मैं यूजुअली इतने लेट कभी भी वीडियोस अपलोड नहीं करती हूँ, लेकिन खबर ही कुछ ऐसी थी, मुझे लगा मुझे तुरंत आप लोगों को अपडेट करा देना चाहिए। आप सब लोगों को मालूम है कि आज कितना हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है टीएमसी के खेमे में, किस प्रकार से टीएमसी के चार बड़े नेता, एक सिटिंग मिनिस्टर और बाकी एक एमएलए, बाकी पूर्व मेयर आदि को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था नारदा वाला जो स्कैम है उस केस के मामले में। और ममता बनर्जी ने हाईतोबा मचा दी थी, वो धरने पर जाकर के बैठ गई थी 6 से 7 घंटे तक सीबीआई के दफ्तर में, फिर शाम को वहां से बाहर निकली थी। और उसके बाद हम सबको ये न्यूज मिली थी कि सेशंस कोर्ट ने उन सभी लोगों को जमानत दे दी है, यानी कि वो सीबीआई उनको पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए लाई, फिर उनको अरेस्ट किया, फिर अरेस्ट करने के बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट मूव किया, मिनिस्टर और बाकी तमाम जो सीनियर लीडर हैं टीएमसी के उन सभी लोगों ने, सेशंस कोर्ट जो है उसने उनको बेल दी। लेकिन ट्विस्ट यहां पर यह है कि उनकी जो बेल है उसको हाई कोर्ट ने रोक दिया है, हाई कोर्ट ने उस बेल को खारिज कर दिया है, उस पर स्टे लगा दिया है। ये डेवलपमेंट है जो बहुत अभी अभी कुछ समय पहले हुई है। इसका मतलब साफ है कि सीबीआई ऑब्वियसली हैज अप्रोच्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने स्टेप इन किया है, और सेशंस कोर्ट ने जो बेल दे दी थी एक सिटिंग मिनिस्टर, बाकी एमएलए, पूर्व मेयर, बाकी जो इनके नेता हैं चारों के चारों की खारिज कर दी है, वो बेल स्टे कर दी है। इसका मतलब साफ है कि आज की जो रात है वो तो भाई कस्टडी में बीतेगी, और ममता दीदी को बहुत बेचैनी अभी महसूस हो रही होगी, क्योंकि उनको तो जिस तरीके से आज उन्होंने सुबह से ड्रामा किया था और बोला था कि मुझे भी अरेस्ट करो अगर इनको अरेस्ट करना है, और धरने पर बैठी रही, तो अभी तो शी मस्ट बी हैविंग एब्सोल्युटली स्लीपलेस नाइट। एंड ये सारे के सारे जो चारों लोग हैं ये कस्टडी में ही हैं, कस्टडी में इनको रात बितानी पड़ेगी। अब देखिए कल सुबह क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि फिर से बहुत खतरनाक दिन इनका उगने वाला है, जो कल सुबह का जो सूरज है, देखते हैं इनके लिए आशा और उम्मीद की किरणें लेकर के आता है या अंधकार में भविष्य लेकर के आता है, ये कल सुबह पता लगेगा। लेकिन ये एक बड़ी न्यूज़ थी, बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, कहानी में बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट था, और मुझे भी सुन के बहुत ही मतलब अच्छा लगा, क्योंकि इवनिंग में जब बेल की खबर आई थी तो लगा था कि ठीक है देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, सो आई थॉट आई मस्ट शेयर दिस विद यू ऑल, एंड लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस टुमारो मॉर्निंग, बिकॉज आई एम श्योर ममता दीदी इज नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न टू सेव हर डेंटेड मिनिस्टर्स हु हैव बीन टेकिंग ब्राइब एंड दे हैव एक्सेप्टेड टेकिंग ब्राइब्स ऑन कैमरा। एंड ये नारदा वाला जो केस है ये 2014 का केस है, अप्रैल 2017 में ऑनरेबल हाईकोर्ट के कहने पर ये केस सीबीआई ने दर्ज किया था, लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन के बाद आज अरेस्ट हुए थे। अब कल सुबह देखते हैं क्या होगा, कल सुबह फिर से मिलते हैं, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।